ये मेला बेटा बोलेगा फराटे वाली इंग्लिश, खानदान का नाम रोशन करेगा ये। पिंकी मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश? माय नेम इज हितेश सचदेवा एंड आई पास्ड फ्रॉम डीयू। सॉरी फॉर दिस टाइम, वी कांट हायर। आइए भगवान आइए। अरे खाली चाय लेकर आ गई, जरा बिस्कुट वगैरह लेकर आओ, जाओ लीजिए भाई सब चाय पीजिए। तो लड़के लड़की को रिश्ता मंजूर है? अरे क्या बात है, मंजूर है ना? हाँ मंजूर है जी, मंजूर जी। लड़के को इंग्लिश तो आती है? हाँ इंग्लिश। अबे सुअर के बच्चे, अगर आज ये तुझे अंग्रेजी आती ना तो नौकरी और छोकरी दोनों होती तेरे पास। अब मैं क्या जवाब दूंगा लड़की वालों को? सब पापा साला मेरा बीबी मत बड़ा पै पै। भाई अगली बार और अच्छे से करेंगे, सही से जाइयो। अरे अंकल 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 क्लास का क्या ही करोगे आप? पिएगा? थोड़ा जिंदगी में कुछ पढ़ लिख गया होता तो इन रंडबों के साथ ना रहना पड़ता तेरे को। टू द रिस्पेक्टेड अंकल जी। चाचा जी वो यार ब्लडी पढ़े लिखे हैं और नशेड़ी भी बेटे। तेरे को बोला? मुझे नहीं तेरे को बोला। रिश्ता बहुत अच्छा है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। उनके घर चलते लड़की वाले उन्हें मनाते हैं, खड़ी हो जा। अरे पापा पर इंग्लिश का कैसे करोगे? चुप। मजदूर को खोदना और हर बाप को चोदना। भाई ब्रो दिस इज माय काइंड ऑफ शायरी। जी संस्कारी लोगों के साथ रहता, उनके साथ उठता बैठता तो तेरी भी इज्जत होती। अजी आप ज्यादा मत बोलो, बच्चे ही तो हैं। आप भी तो बड़े नौटी थे तो इस उम्र के थे। नौटी थे नौटी थे, सब तेरा किया धरा है तेरा। मेरा? हाँ अफसोस उस शाम तू ना वो साड़ी पहनती, ना मेरा मूड बनता और ना ये नलायक कपूत इस घर में पैदा होता। अरे अरे चुप कर क्या, अरे खड़ी हो। रिश्ता बहुत अच्छा है, सामान उठा लड़की वालों के घर चलते उन्हें मनाते, चल खड़ी हो। बेकार की बात कर देती। मरवाली गांड ब्रो, सी इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश आई विल टीच यू। नहीं भी बोलोगे तब भी चली जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं। वे, ये क्या तू सारे दिन गेम वेम खेलते रहता है? इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते तेरे को यार, बस टाइम कोटी। भाई कौन सी गेम खेलने के पैसे मिलते हैं? भाई तूने रमी सर्कल के बारे में नहीं सुना क्या? रमी सर्कल? भाई रमी सर्कल पे तू गेम्स खेल के काफी सारे पैसे जीत सकता है। भाई वो कैसे? भाई रमी सर्कल एक स्किल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें तू गेम्स खेल के काफी सारे पैसे जीत सकता है। और हाँ मेरे भाई इसमें 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। और हाँ मेरे भाई इसमें तू कैश मैच खेल के काफी सारे पैसे जीत सकता है। और हाँ भाई इसमें इंस्टेंट विड्रॉ का ऑप्शन है जिसमें तू 10 सेकंड के अंदर अपने पैसे विड्रॉ कर सकता है। और भाई इसको खेलना बहुत ईजी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखा? और भाई ये किसी भी फोन में सपोर्ट करती है, मतलब कहीं पे भी लैग नहीं करती, बहुत स्मूथ चलती है। एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, कहीं पे भी मतलब बहुत स्मूथ। देख मेरे फोन में कहीं पे भी नहीं टक रही, कितनी स्मूथ चल रही है। भाई बहुत बढ़िया ऐप है यार ये, डाउनलोड कहाँ से करूँ? भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके तू ये ऐप डाउनलोड कर सकता है। और हाँ मेरे भाई इसमें तेरे को तेरे फर्स्ट डिपॉजिट पे 2000 रुपये तक का वेलकम बोनस मिल सकता है। और भाई तेरे को एक चीज़ और अवेयर करना चाहूँगा, ये गेम तू अपने रिस्क पे डाउनलोड करियो क्योंकि तेरे को ये गेम खेलने की लत भी लग सकती है।
अभी डाउनलोड करता हूँ भाई। हाँ चल तेरे को सिखाता हूँ, आजा। ओ एंचो लाउड से भी नशे नहीं हो रहे यार। चुपिया यार। यार थोड़ा घर वर साफ कर दो यार, टीचर आ रहा है पढ़ाने। ट्यूशन टीचर? टीचर? कब? कौन? कैसे? तूने बताया क्यों नहीं टीचर आ रहा है? बताने वाली बात रह गई है साले, बाप के सामने इतना बेइज्जत हो गया मैं। अरे भाई चूतिया है क्या तू? वो तेरा बाप है, बाप को कोई सीरियसली लेता है? और अब का खा गया अंगा ये चलेगा घर में? अबे शैंकी भाई तू चूतिया है क्या यार? नहीं नहीं देख नहीं, नो कोई नहीं आएगा। बंटी गेट खोल, टीचर आ गया। देख देख देख, अगर कोई टीचर आएगा तो मेरी लाश के ऊपर से जाएगा। अबे लाश के ऊपर अभी गुजर जाता हूँ। वाओ टिंडर मैच। सॉरी यू आर सिड राइट? एक्चुअली मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ, आई एम अर्चिता। वो तो कोई सर आने वाले थे ना? एक्चुअली उनकी ना तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं आ गई, मैं उनकी डॉटर हूँ। हर बार ड्रीम सीक्वेंस के नाम पर ऑडियंस को चूतिया काटने का स्कैम खत्म नहीं होगा तुम्हारा? मैं आ जाऊं? आइए। हाथ रखना मुझसे। नाइस साउंड। थैंक यू। शैंकी कहाँ पे है? मुझे क्या पता? अच्छा सुनो, मेरी कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, ओके? और वो मिस्टर शुक्ला जी है ना, उनको अगले महीने का टाइम दे दो, ठीक है? हाय सिड, कैसे हो? फोन कार्ड मैं करता हूँ। हाय माय नेम इज शैंकी, नाम तो सुना ही होगा। हाय ये शैंकी है, ये ना कॉल सेंटर में नजर बट्टू सुरक्षा कवच भेजता है। तो चलते हैं, चलो यहाँ आ रहा के टाइम क्या वेस्ट करना। इधर So Shanky, I love you. मैम इतनी भी क्या जल्दी थी मैम, अभी तो मिले हैं, सबर करो सबके सामने बोलती हूँ। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मैम हिंदी में आता है मुझे, आप बस आई लव यू का मतलब बताओ इंग्लिश में। Excuse me, क्या चल रहा है? हाँ? मैम, feelings चल रही है। क्या है ये? अरे जाओ मैडम के लिए कुछ लेके आओ, पानी चाय कॉफी जाओ जाओ। मैम क्या लेंगे आप? दारू बियर या हरी घास? थोड़ा सा पानी मिलेगा? पानी लेगा ना, मैं लाता हूँ पानी। मैं बुझाऊंगा प्यास आपकी मैम। क्या पानी मांगा? जा, जाओ लाओ। हाँ पानी लेके आता हूँ आपके लिए। मैं पानी पिलाऊंगा मैम का, पानी पिला। ओ नशेड़ी तू मैडम जी से दूर रहा, बता रहा हूँ तेरे को मैं। क्यों बे? तेरी बहन लगती है। ए, मेरी बहन नहीं लेकिन तेरी बहन जरूर बनवा दूंगा मैं। अबे ओ
वो सीढ़ी वालों। अरे अरे क्या हो रहा है? गाइस स्टॉप इट। आप ठीक तो हो? हाँ? आप ठीक हो? पानी दो। ठीक हो आप ना? बड़े से बड़े नशे जिसकी गान ना फाड़ पाए। आज पानी से उसको ट्रिप हो गई। बेंचो यही असली सोलमेट यार, यही है। सो गाइस आप सबको ये क्लियर है? मेरा तो क्लियर है मैम। क्या मैम, आप बुरा ना मानो, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप सिंगल हो या आपकी शादी हो गई? इंग्लिश यू वर्जिन? इसका इन सब से क्या लेना देना है? नहीं लेना देना तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था कि नहीं कल को अगर जब मेरी शादी हो तो मेरी होने वाली बीवी इंग्लिश ट्यूशन टीचर तो जरूर होनी चाहिए, और उसका बाप भी इंग्लिश का टीचर होना चाहिए। मरवाली का है ना? गाइस मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, कल करते हैं बाकी। मैं आपको छोड़ आता हूँ, ठीक है? तुम लोग घर देख लेना। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, सी यू मैम, टाटा, बाय बाय, कल मिलते हैं। पत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी? पत्तियां बुझाने से भी नींद कहाँ आएगी? प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया? के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा? तू रू रू रू। हाय मैम, कोल्ड ड्रिंक देंगी? नहीं, आप चाय तो जरूर पियेंगी। बैठी ना मैम, बैठी 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 ना। वेट वेट वेट, थैंक्स बट एक्चुअली कल शायद मेरा ना चार्जर छूट गया था, अंदर ही होगा शायद। चार्जर तो भाई, सालो हर बार बीच में आ जाता तुम लोग। बीच में मैं आता हूँ सालो, तुम दोनों बीच में आते हो। यार ऐसे नहीं है, मर्दों की तरह डिसाइड करते हैं। ठीक है कर लो। हाँ ठीक है, इधर ये बता किसका? मेरा। हाँ चल गांड मरा, मैं जीता, आप कोई बीच में नहीं आएगा। देखो ये ओ भाई, हाँ हम चूतिया है। हाँ अरे देख, ईमानदारी से खेला है सब कुछ। ओ भाई ये मैंने बाप को मत सिखा, चल अबे ये बाप पे क्यों जा रहा है, इसको समझा दे बहन चोद। सब मिलके मैम को बोल देंगे जो बोलना है ना। हाँ है ना, और जिसको मैम ने हाँ करा ना फिर कोई बीच में नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम, चलो। क्या बोलना है? यही we like you. Mad or what? मैं तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाने आती हूँ और तुम लोग ये सब सोच रहे हो, like seriously? मतलब प्यार से थोड़ा बात क्या कर लिया तो वो तुम लोग को पसंद करती है, like seriously? मुझे लगा आप सभी लोग दिल से बहुत अच्छे हो, पर आप सभी लोग एक जैसे ही हो। मैं अब यहाँ पे दो मिनट भी नहीं रुकूंगी। कोई नहीं मैम, आप जाओ, हमें पता है इसमें सारी गलती हमारी है। हम जिंदगी में इतने बड़े लूजर हैं कि छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढते रहते हैं। मैं ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा दोस्त, ना अच्छा स्टूडेंट। अब शांकी को ही देख लो, बेचारे का बाप आवारा है, इसके बाप की दो दो सेटिंग है। पूछो नहीं कि तेरा बाप होगा हमारा। इनकी माँ ने इनको कैसे पेट काट काट के पाला है बेचारा यही जानता है। और बंटी को देख लो, जब ये 10 साल का था ना तब इसका बाप दारू पी पी के मर गया। साले इसको जान दे ना, तेरी गांड तोड़ी ना मैंने।
और ये आज भी अपने बाप की याद में रोज दारू पीता है। बताओ आप जाइए मैम। सॉरी गाइस, I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि मैं, I'm just really sorry. मैंने आप लोगों को गलत समझा। कोई नहीं मैम। वैसे दारू मिलेगी? हैं? हाँ, एक्चुअली काफी दिनों से मैंने पी नहीं है, सो थोड़ा पीने का मन हो रहा है। यार बस करो यार, कॉल मी अर्चना, मैं आप लोग की टीचर वीचर बन के ना थक चुकी हूँ। लेट्स पार्टी एंड एंजॉय। सच बताऊँ ना तो तुम तीनों लौंडे ना बहुत ही बकचोद हो। मतलब जो कहानी फैली है मजा ही आ गया। कुछ भी कह लो तुम तीनों ही सही लौंडे हो। सॉरी मैडम। लेट इट बी, चलो पार्टी करते बेटा। क्यों फोर्स कर रही है हमको? अंग्रेजी ना आती इस लड़की को, और हम अपनी पढ़ी लिखी लड़की। पापा मैं भी तो 10वीं फेल हूँ, आप कैसे हवाबाजी करते रहते हो? मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, मुझे ना गट फीलिंग आ रही है, लड़का बहुत अच्छा है, आप चलो तो। आइए भाई साहब, आइए आइए। हाँ पता है, अरे एक बार शादी हो जाने दे, तो ना कुत्ता बनने का भगवान है, मेरा नाम बदल कर रख दिया। आओ जी आओ, चलो आओ। मैडम आपने जो मेरी जिंदगी में इंग्लिश का दिया जला के उजाला भरा है ना, बस उसकी माँ मस्जिद में। क्या? माँ छोड़ के चली गई थी। भाई साहब मेरा लड़का तो रिश्ता तो बहुत गहराइयों वाला लगता है। आप मैनेजर से पूछ लो। पापा। चलो यहाँ से बेटा, बहुत हो गया। चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा है। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। लव यू।